नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने क्वार्टर वन रिजल्ट की सीरीज चली, तो आज ही के दिन ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आज ही आया। अब रिजल्ट कैसा है और अगर ट्रेडिंग सेशन कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड के। ओनली NSE बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी का ओवरव्यू दे दूं आपको, कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, कंपनी नाम से समझ आ रहा है, कंपनी जीन्स मैन्युफैक्चर यार्न के अंदर, होम टेक्सटाइल के अंदर है, शर्टिंग फैब्रिक के अंदर है, डेनिम एंड नॉन डेनिम फैब्रिक के अंदर है, प्रिंट फैब्रिक के अंदर मेनली कंपनी ने फैब्रिक बनाने का काम है, मैन्युफैक्चर करते हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, यानी कि आप गुजरात अहमदाबाद के अंदर टॉप रैंक कंपनियाँ जो होती हैं उनके अंदर कंपनी नामी ग्रामी है। तो हमें बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट की, तो कंपनी का ओवरव्यू कर लिया, हम क्वार्टर वन के रिजल्ट का ओवरव्यू करेंगे अब। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखेंगे आज के दिन इसका 2 अगस्त 2022 आज के दिन इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया था कि बोर्ड मीटिंग 6 बजे हुई थी, 6:55 की मीटिंग बंद हुई है, यानी बाजार बंद होने के बाद इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट निकल के आया है बाहर। तो देखिए इनका कोई खास अनाउंसमेंट देखने नहीं मिल रही है, बट इनकी जो अर्निंग्स है वो लैक्स के अंदर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं कैसा इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड ओनली NSE बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है। तो आज की डेट में इसका मार्केट कैप है 128 करोड़ रुपये का, स्टॉक पी चला इसका 20.4 का, स्टॉक ROC इसका चल रहा है 3.4% का, बुक वैल्यू इसकी 8.49 रुपये की है, रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 12% का, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है। अब देखिए कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा 1.00 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे देने का अनुमान कर रही है। तो देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर का डिमांड धीरे धीरे कम हो चुकी है, बट अब फिर से रिबाउंड होने और टेक्सटाइल शेयर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। अब देखिए हम बात करें जून क्वार्टर की, जून 2022 तक इस क्वार्टर में टोटल सेल हुई 114.74 करोड़ रुपये की, ऑपरेशन प्रॉफिट निकल गया है 4.57 का, और नेट प्रॉफिट निकल गया 1.61 का, और अर्निंग पर शेयर पे 0.32 का निकल गया है इस क्वार्टर में। अब लास्ट क्वार्टर से हम पहचान करते हैं मार्च 2022, तो लास्ट क्वार्टर सेल थी 124, वो घटके हुई 114 करोड़ रुपये की, ऑपरेशन प्रॉफिट 4.38 से बढ़कर सीधा 4.57 हुआ है, नेट प्रॉफिट 2.34 से घटकर 1.61 हुआ है, अर्निंग पर शेयर पे 0.46 से घटकर 0.32 हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेल में भी कमी है, बट ऑपरेशन प्रॉफिट में बड़ा देखने को मिली हमें क्वार्टर क्वार्टर में थोड़ा सा, बट नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर क्या होता है सेल के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, ज़्यादा सेल के अंदर डाउनफॉल नहीं देखना, 3 से 4% का डाउनफॉल देखने को मिला हमें हर जगह, चाहे वो अर्निंग पर शेयर की बात करें, चाहे वो नेट प्रॉफिट की या नेट सेल की, तो ये डिफरेंसल देखने को मिला हमें क्वार्टर क्वार्टर वाइज। अब बात करते हैं ईयर वाइज जून 2021, तो लास्ट ईयर सेल थे 66.71 करोड़ से बढ़ के सीधा 114.74 करोड़ हुए, ऑपरेशन प्रॉफिट भी 2.57 से बढ़ के सीधा 4.57 हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 0.49 से बढ़कर 1.61 हुआ, अर्निंग पर शेयर भी 0.03 से बढ़कर 0.32 हुआ। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं हम ईयर वाइज काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने वाला, हमें 40 से 50% का ग्रोथ देखने को मिला है, मोटा मोटा 50% का ग्रोथ देखने को मिला हमें हर चीज़ के अंदर, चाहे सेल ले लीजिए, चाहे नेट प्रॉफिट, चाहे अर्निंग पर शेयर, चाहे ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर आप देख लीजिए, सेल के अंदर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला हमें ईयर वाइज। देखिए रिजल्ट है अच्छा, इसे खराब नहीं बोलेंगे, बट ये पैनी शेयर की तरह ट्रेड करता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जल्दी होगी, बट इसके अंदर तेजी भी देखने को मिलेगी आपको जल्दी शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा, ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे, रिजल्ट अच्छा है, ईयर वाइज कंपनी ने अच्छा रिजल्ट घोषित करा है, और अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अपडेट नहीं हुई है। देखिए रिजल्ट आने से पहले कैसा रहा ट्रेडिंग सेशन वो समझते हैं। तो देखिए रिजल्ट आने से पहले ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.41% की तेजी लगा के बंद हुआ, ओपन होता 8.40 रुपये पे, हाई मारस ने 8.60 रुपये का, लो मारस ने 8.25 रुपये का, 52 हाईएस का 42.44 रुपये का, 52 हाईएस इसका 5.70 रुपये का। 5 दिन के अंदर तो इसने 4.5% की गिरावट दिखा चुका है, 1 मंथ के अंदर 10.5% की तेजी दिखा चुका है, ईयर टू डेट के अंदर 35.5% की गिरावट दिखा चुका है, ईयर टू डेट के अंदर 44% की गिरावट दिखा चुका है, 6 मंथ के अंदर ये 35% की गिरावट दिखा चुका है, यानी गिरावट का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, देखिए रिजल्ट तो अच्छा है, रिजल्ट ख़राब नहीं है, नो डाउट रिजल्ट अच्छा है, इसमें जितनी भी खराबी होती वो हो चुकी है, क्योंकि शेयर अपने 200 और 150 एमए के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, बट शेयर अपने 100 डेज और 21 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देखिए काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद आज के दिन जिसमें कैंडल बनी है, एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी है, ये तेजी को दमकन दिखाती है, ये इस कैंडल को
ये जो डोजी बनी है ये तेजी की तरफ दमखम दिखाएगी, ये ठीक है ना, शूटर डोजी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए ये रिबाउंड होने का तैयार होता है, बट अब रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब आपको इसके अंदर करना है क्या, देखिए इसमें जितना खराब होता है वो हो चुका है, क्योंकि शेयर अपने 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए इसमें आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 8 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो खराबी होती है वो हो चुकी है, बट यहाँ से 8 रुपये पर अच्छी खासी सपोर्ट लेगा और जल्दी ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 10 रुपये के लेवल भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे ही 10 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट खराब नहीं है और यहाँ से तेजी के दमखम इसमें देखने को मिलेंगे। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करिए, 10 रुपए का पहला टारगेट है, जैसे 10 रुपए का ब्रेक करेगा तो इसमें जल्दी आपको 15 के लेवल भी देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको इस प्ले, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।